तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कहाँ से परचेस कर सकते हो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर बहुत ही सस्ते रेट में। तो ये जो है ट्रांसमीटर रिसीवर, ये मैंने मेरे एरिया के एक शॉप से परचेस किया है। आप अगर इसे ऑफलाइन परचेस करोगे तो आपको ये काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये रहा ट्रांसमीटर और रिसीवर। ये रिसीवर है और ये ट्रांसमीटर है दोस्तों। तो ये आपको रॉ मटेरियल के तरीके से मिलता है, मतलब इसकी मदद से आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो अपना, या फिर इसकी मदद से आप अपना एक अलग से ट्रांसमीटर और रिसीवर बना सकते हो। ये रिमोट कंट्रोल है, इसमें आपको नॉर्मल बटन्स, पुश बटन देखने को मिलते हैं। तो आप इसे निकाल कर यहाँ पर आप देख सकते हो, अनसोल्डर करके कोई और बटन्स लगा सकते हो, कुछ अच्छे से इसे एक इनक्लोजर के साथ बना सकते हो। और ये जो रिसीवर है छोटी सी चिप के साथ आता है, इसमें ये वाला जो है ये एंटीना है। बाकी आपको यहाँ पे बैटरी के लिए और टू चैनल मोटर के लिए वायर्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखोगे, ये वाली वायर ग्राउंड के लिए है और इसमें से आप कोई भी एक वायर को कनेक्शन दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर बी प्लस लिखा हुआ है और ये बी माइनस है, तो ये बी प्लस है जहाँ पे है। यहाँ पर पीछे साइड में आप यहाँ पर पॉजिटिव करंट दे सकते हो, पॉजिटिव सप्लाई, और ये आपकी नेगेटिव सप्लाई है। तो दोस्तों, उस ट्रांसमीटर और रिसीवर का इस्तेमाल करते हुए मैंने ये मेरा रिमोट कंट्रोल बनाया है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी मैंने पूरी एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने एक ऑन ऑफ स्विच लगाया है। यहाँ पे मैंने चार्जिंग के लिए TP4056 मॉड्यूल का इस्तेमाल किया है और अंदर मैंने एक छोटा सा लिथियम आयन 18650 सेल लगाया है। यहाँ पर मैंने चार पुश बटन लगाए हैं। सेम इसी तरीके का बोर्ड मैंने इसके अंदर यहाँ पर लगाया है और इसके जो वायर होती है उसको मैंने निकाल कर बड़े पुश बटन्स में लगाया है। और इसका इस्तेमाल मैंने मेरे पिछले वीडियो में किया था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बॉक्स है, ये वुड का मैंने बॉक्स बनाया है। ये बॉक्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला। तो इस बॉक्स के अंदर मैंने ये छोटा सा रिसीवर फिक्स किया है और उसे एक रिसीवर बना दिया है। ये उसका मैंने एंटीना लगाया है। तो कुछ इस तरीके से आप भी इनक्लोज़र बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तीन वायर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये एक राइट चैनल, लेफ्ट चैनल, और ये एक पावर सप्लाई के लिए है, ये वाला वायर देखिए। तो कुछ इस तरीके से आप भी बना सकते हो। ये जो कार है इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत बेहतर काम करती है ये कार। तो इसी रिमोट कंट्रोल की मदद से मैं इसे हैंडल कर पाऊंगा। रिमोट कंट्रोल ऑन कर दिया है, अब देखिए। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट में आपके पास अगर कोई सवाल होगा, अगर कोई सुझाव होगा तो आप पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं किसी ऐसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।